दोस्तों बात कर लेते हैं BDL यानी भारत डायनामाइक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जान लेते हैं आगे इसमें क्या लेवल और क्या टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस स्टॉक में स्टक हैं, स्टॉक में कोई चाल बन ही नहीं रही है, स्टॉक कंटिन्यूस टूटता गया। 1450 रुपये का जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो आपको एक सपोर्ट लेवल बताया था, कहा था बाय ऑन डिप के हिसाब से आप इस स्टॉक में बाइंग कीजिए। लेकिन दोस्तों वो 1450 रुपये का सपोर्ट भी टूटा और स्टॉक एकदम से नीचे की तरफ आया, शार्प रिजेक्शन आया और आप देख सकते हैं स्टॉक 1302 रुपये के पास आकर के ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से क्या करना है, जिन लोगों ने उस समय पर फ्रेश एंट्री कर ली है वो लोग अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं, या फिर अगर उनके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में प्लान कर रहे हो तो बहुत समय से स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने दिनों का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन से कम स्टॉक इसी लेवल पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। 1330 से लेकर के 1300 के बीच की जो ये रेंज है ये स्टॉक ने पकड़ ली है। अब अगर इस रेंज पर ये कंसोलिडेट कर रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉक ने अपना बॉटम डन कर दिया है। यहाँ से अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए प्लान कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा लेवल आपको मिल सकता है। करीब 1.25 महीने पहले ये स्टॉक 1600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था जिस समय पर मैंने वीडियो बनाई थी और बोला था बाय ऑन डिप के हिसाब से पैसा लगाइए। तो दोस्तों अब ये स्टॉक इस ऐसे लेवल पर नज़र आ रहा है कि यहाँ से मुझे लगता है आपको अपने कैपिटल का 70% लगा देना चाहिए और 30% फिर भी खुदा ना खास्ता रख लेना चाहिए। ये स्टॉक अगर 1350 रुपये के आसपास आता है यानी इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, बाकी बचा हुआ कैपिटल आप उस समय पर लगाएंगे और इसमें जो आपको टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे इसमें आप थोड़ा सा लंबा समय दीजिएगा। दोस्तों 3 से 4 महीने में ये स्टॉक आपको 1700 से 1800 रुपये पर आता हुआ नज़र आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये दोस्तों शेयर मार्केट है, यहाँ पर हम अगर 10 में से 8 बार सही भी पढ़ते हैं तो भी 2 बार गलत पढ़ने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इस स्टॉक ने एग्जैक्ट वही काम किया, हमने आपको बोला था कि स्टॉक शायद से अब ऊपर जाते हुए नज़र आएगा, नीचे के लिए शायद से बॉटम डन हो गए हैं, लेकिन अभी ये स्टॉक उसके भी काफ़ी नीचे आया। लेकिन अब ऐसा लगता है अब इसने 100% अपना बॉटम डन कर लिया है, तो यहाँ से आप फ्रेश एंट्री, यदि आप पहले से स्टक हैं तो आपको करना कुछ भी नहीं है, या तो आप एवरेजिंग कीजिए या तो फिर आप अपने टाइम फ्रेम को थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, क्योंकि आपका जो टाइम फ्रेम है आपने 1600-1500 के रेंज पर कहीं पर बाय कर लिया है, आएगा ज़रूर, कंपनी बहुत ज़बरदस्त दमदार कंपनी है दोस्तों, ये आपको अपर अप लेवल दिखाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगी। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें मैं क्लियर कर पाई होंगी, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में डेफ़िनेटली कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी स्टॉक में स्टक हो गए हैं, रिव्यू चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कमेंट करें अपने स्टॉक का नाम, हमारी टीम जैसे ही आपके स्टॉक को पिक कर लेगी आपके लिए लेवल और टारगेट्स निकाल कर शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए, कम समय में स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमारी यही पॉलिसी है दोस्तों कि हम नियर टू बॉटम वाले स्टॉक्स आपको प्रोवाइड कराएं जिसमें आप टारगेट्स बहुत अच्छे से अच्छे निकाल पाएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, पसंद आई तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।